ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में महिला मोर्चा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रशीमधर सूद ने की। उन्होंने कहा कि तीन तलाक को लेकर बिल पास हो चुका है। इस बिल के पास होने से अब मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों द्वारा उन पर तलाक को लेकर की जा रही जायदादें नहीं सहनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि पहले मुस्लिम पुरुष गुस्से का फायदा उठाकर महिलाओं को तलाक दे देते थे, लेकिन अब इस पर पूर्ण रूप से रोक लग चुकी है, जिसका मुस्लिम महिलाओं समेत देश की सभी महिलाओं ने स्वागत किया है। सोलन में महिला मोर्चा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रशीमधर सूद ने की। उन्होंने कहा कि तीन तलाक को लेकर बिल पास हो चुका है। इस बिल के पास होने से अब मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों द्वारा उन पर तलाक को लेकर की जा रही जायदादें नहीं सहनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि पहले मुस्लिम पुरुष गुस्से का फायदा उठाकर महिलाओं को तलाक दे देते थे, लेकिन अब इस पर पूर्ण रूप से रोक लग चुकी है, जिसका मुस्लिम महिलाओं समेत देश की सभी महिलाओं ने स्वागत किया है। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रशीमधर सूद ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं 72 वर्षों से इस फैसले का इंतजार कर रही थी, जिसे मोदी सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर मुस्लिम महिलाओं को एक तोहफा दिया है, जिसका सभी महिलाएं स्वागत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अन्य देशों में तीन तलाक पर बैन है, लेकिन भारतवर्ष में अब ये फैसला नरेंद्र मोदी के प्रयासों द्वारा लिया गया है, जो एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि इस फैसले में मुस्लिम महिलाएं आम महिलाओं के समक्ष खड़ी हो पाई हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 72 वर्ष से 2.5 करोड़ महिलाओं को भाजपा में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। वही हिमाचल के प्रदेश जिला 3000 महिलाओं युवतियों को शामिल करने का लक्ष्य है, जिसे वे बड़ी आसानी से पूर्ण कर लेंगी। ट्रिपल तलाक बिल जो है वो राज्यसभा में जो है वो पास हो गया। 72 साल के बाद हमारी मुस्लिम बहनों को जो है वो एक ऐतिहासिक जीत मिली है और उन्हें सम्मान के साथ देश में खड़े होने का मौका मिला है। कितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें ये जो बिल है, ये जो तलाक का मसला है, ये बहुत पहले हल हो चुका है। लेकिन 35 साल शाबानों ने जब ये अपना किस्सा लड़ा था, तो 35 साल के बाद अब कहीं जाकर जो है भारतीय मुस्लिम बहनों को एक मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला है। उसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी को, पूरी हिमाचल की महिला मोर्चा जो है वो अभिनंदन साधुवाद देती है कि उन्होंने ये बहनों के लिए निर्णय जो है वो लिया और जो हमारे मैनिफेस्टो में था उसको एक कदम आगे बढ़ाया। और ये खुशी का विषय है कि 72 साल के बाद ही सही, लेकिन हमारी मुस्लिम बहनें समकक्ष हमारे साथ खड़ी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी।